आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के गणतंत्री राज्य और उनकी शासन व्यवस्था जैसा कि मैंने पूर्व के व्याख्यान में बताया था कि उत्तर वैदिक काल में राज्यों का आधार जाति था जो जाति जहां बस जाती थी वह क्षेत्र उसी जाति के नाम से जाना जाता था यद्यपि उस प्रदेश में अन्य जाति के लोग भी निवास किया करते थे लेकिन उनका स्थान गौण होता था धीरे-धीरे जन का आकार बढ़ा और वह जनपद कहलाने लगा इन जनपदों का उल्लेख जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों में हमें देखने को जो है वो मिलता है। मिलता आरंभ में जनपद में एक ही वर्ग के लोग निवास किया करते थे अतः उनके सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं भी एक ही हुआ करती थी लेकिन धीरे धीरे जनपदों में अन्य जाति के लोग भी बसने लगे इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान तो हुआ लेकिन सत्ता जो थी वो आदि जनपद के पास ही रही थी धीरे धीरे बड़े जनपदों ने छोटे जनपदों को हड़पना आरंभ कर दिया था और इस तरह महाजनपदों का उदय हुआ था। पूर्व व्याख्यान में मैंने आपको छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में सोलह महाजनपदों का उल्लेख किया था इन सोलह महाजनपदों के अतिरिक्त उस समय उत्तर भारत में अनेक गणतंत्रात्मक जातियां भी निवास करती थी और इन जातियों की सूची रिच डेविड द्वारा लिखित पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया से हमें प्राप्त होती है ये गणतंत्रात्मक जो थी, वो इस प्रकार थी कपिल वस्तु के शाक्य अल्पकप्पे के बुल्ली राम ग्राम के कोले मिथिला के विदे सुसुमगिरी के मग पीपली वन के मौर्य पावा के मल कुशीनारा के मल वैशाली के लिच्छवी और केशपुत के इनमें से अधिकांश जातियों ने मिलकर जो है संघ का निर्माण कर लिया था इनमें पूर्णतः गणतंत्र था और यहाँ की जनता सर्वसम्मति से अपने प्रधान का निर्वाचन किया करती थी कपिल वस्तु के शाक्य इनका राज्य आधुनिक बस्ती जिले का पूर्वी भाग तथा नेपाल का कुछ भाग इनके राज्य में सम्मिलित था इनकी राजधानी रिज डेविड के अनुसार शाक्य गणतंत्र में अस्सी हजार कुल थे प्रशासनिक कार्य संथागार द्वारा हुआ होता था जिसका अध्यक्ष राजा होता था जिसे जनता निर्वाचित किया करती थी किसी विषय पर मतभेद होने पर शलाकाओं द्वारा बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था छठी शताब्दी के अंत में कौशल नरेश विदुम ने इसे पराजित करके अपने में मिला लिया था। रामग्राम के कोली। रामग्राम की पहचान गोरखपुर के पास रामगाम से की जाती है यह शाकियों के पूर्व में थे डॉक्टर राजपल्ली पांडे के अनुसार ये काशी के नागवंश और शाख्यों के मिश्रण से उत्पन्न हुए थे आधुनिक गोरखपुर के समीप कोल वृक्ष के जंगलों को साफ करके बसने के कारण ये लोग कहलाए थे और कोलियों के बीच रोहिणी नदी बहा करती थी। इस रोहिणी नदी के पानी को लेकर दोनों में संघर्ष चलता रहता था स्वयं बुद्ध ने भी कई बार इस मामले में हस्तक्षेप जो था वो किया था पावा के मल कनिंगम ने इनकी पहचान यूपी के देवरिया जिले के पडरोना से की है यह वंश की एक शाखा थी इनकी राजधानी पावा थी यहीं पर महावीर स्वामी का देहावसान हुआ था मल्ल को अजात शत्रु ने बाद में मगध में विलीन कर लिया था कुशीनारा के मल यह मल वंश की दूसरी शाखा थी इनकी राजधानी कुशीनारा थी महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण यही प्राप्त हुआ था मंजिम निकाय के अनुसार ये एक संघ राज्य था और इसकी सभाएं संस्थागार में होती थी डॉक्टर भंडारकर का मत है कि बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद मगध शासक ने इसे मगध में सम्मलित कर लिया था मिथिला के विदेह इनका राज्य बिहार में दरभंगा और भादलपुर के समीप था इनकी राजधानी मिथिला का तादम्य नेपाल की सीमा पर स्थित जनकपुर से की जाती है मिथिला में सोलह हजार गांव थे राजकुमारी सी, सीता यहीं की राजकुमारी थी पीपलीवन के मौर्य ये कोलिए के पूर्व में निवास करते थे इनकी राजधानी पीपलीवन जो कि आधुनिक गोरखपुर जिले के कुसुमुही स्टेशन के समीप थी महावंश के अनुसार ये शाक्यों के वंशज थे लेकिन कौशल राजकुमार विदुम के अत्याचारों से पीड़ित होकर ये लोग हिमालय की तराई में आकर बस गए थे यहाँ मोरों की अधिकता थी इसलिए ये मौर्य कहलाए थे सुसुम गिरी के मग इनके बारे में अत्यंत अल्प जानकारी प्राप्त होती है डॉक्टर जायसवाल के अनुसार इनका राज्य आधुनिक मिर्जापुर और उसके निकट था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इन्होंने बाद में वत्स की अधीनता को स्वीकार कर लिया था अल्पकप्पे के बुल्ले इनके बारे में भी जानकारी नहीं के बराबर ही प्राप्त होती है डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार इनका राज्य बैठ दीप राज्य के समीप था ये आधुनिक शाहबाद और मुजफ्फरपुर के बीच का क्षेत्र था महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों पर अल्प के बुलियों ने भी अपना दावा प्रस्तुत किया था और उनके अंश पर स्तूप का निर्माण करवाया था केशपुत के यह कहा यह राज्य था अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार ये कौशल के पश्चिम में था और शेष नौ गणराज्यों से बहुत दूर था बौद्ध साहित्य के अनुसार केशपुत के अलार कालम नामक आचार्य का उल्लेख आता है जो अरुवेला के पास निवास करते थे संबोधि से पूर्व महात्मा बुद्ध ने इनसे भी दीक्षा जो थी वो ग्रहण की थी अगुंतरा निकाय के अनुसार इन्होंने बाद में कौशल की अधीनता को स्वीकार कर लिया था वैशाली के लिच्छवी लिच्छवी गणराज्य उत्तरी बिहार में स्थित था इनकी राजधानी वैशाली थी जो आधुनिक मुजफ्फरपुर जिले में बसाड़ नामक स्थान पर बसी हुई थी छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में यह गणराज्य अपने उत्कर्ष के चरम पर था इस काल में लिच्छवी संघ का अध्यक्ष चेतक था लिच्छवी एक युद्धप्रिय जाति थी यहाँ प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली थी कौटिल्य ने लिच्छवियों को राज्य शब्दोजीवी कहा है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति यहाँ अपने को राजा समझता था राज्य सभा में प्रतिनिधियों का सम्मेलन होता था ये प्रतिनिधि राजा कहे जाते थे इन राजाओं की संख्या सात हजार सात सौ सात थी इनके अधिवेशन संस्थागार में होते थे राज्य में एक पद नायक का होता था इसकी नियुक्ति निर्वाचन के द्वारा होती थी और यही राज्य का राजा या राष्ट्रपति माना जाता था छठी शताब्दी के अंत में मगध नरेश अजात शत्रु ने इस राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया था इन राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी राज सत्ता राज्य के प्राचीन कुलीन परिवारों के हाथों में थी इनके प्रतिनिधियों की संस्था को संस्थागार कहा जाता था और यह व्यवस्थापिका हुआ करती थी सारे राज्य का अधिपति राष्ट्रपति या राजा होता था इसे गणपति गणश्रेष्ठ या राजा कहा जाता था इसका निर्वाचन किया जाता था। राज्य की समस्त शक्तियां इसी के पास होती थी लेकिन इस पर परिषा के सदस्यों का पूर्ण नियंत्रण बना रहता था गणपति को शासन कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी मंत्री परिषद में शासक वर्ग के लोग ही जो होते थे वही सम्मिलित हुआ करते थे और इनकी सदस्य संख्या सामान्यतः नौ हुआ करती थी परिषद यह गणतंत्र की मुख्य संस्था थी इसे परिषद भी कहते थे यह वर्तमान लोकसभा के समान थी इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता था और इसके सदस्य राजा कहलाते थे इसके सदस्यों की संख्या जनसंख्या पर आधारित होती थी गणराज्य में इनकी संख्या सात हजार सात सौ सात थी इस की कार्य पद्धति अधिकार और कर्तव्य के बारे में हमें अधिक जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं होती है संस्थागार परीक्षा के बैठक संस्थागार में होती थी यह आधुनिक संसद भवन के समान होता था इसमें गणपति मंत्री परिषद के सदस्य और परीक्षा के सदस्य एकत्रित होकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया करते थे संस्थाकार के अधिवेशन के लिए एक निश्चित संख्या में सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता था सभा में सदस्यों के बैठने का प्रबंध आसन प्रज्ञापक नामक अधिकारी किया करता था प्रस्तुत विषयों पर विचार प्रकट करने के लिए प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र होता था विषय पर विषय के पक्ष वाले सदस्य मौन होते थे और विपक्ष वाले सदस्य बोला करते थे विवादाग्रस्त प्रश्नों का पर मत विभाजन होता था इसके लिए रंगीन शलाकाओं का प्रयोग किया जाता था शलाकाओं को एकत्रित करने वाले अधिकारी को शलाका ग्राहक कहा जाता था अधिवेशन की संपूर्ण कार्यवाही को लिपिबद्ध किया जाता था छोटे गणराज्यों में संपूर्ण प्रबंध केंद्रीय संथागार द्वारा ही किया जाता था लेकिन बड़े गणराज्यों में प्रांतीय संथागार भी होती थी जो प्रांतों का प्रबंध किया करती थी इस गणराज्यों में छोटे छोटे झगड़ों का निपटारा स्थानीय सभाएं कर देती थी सर्वप्रथम विनिश्चय महामात्र नामक कर्मचारी अपराध की जांच करता था अपराधी सिद्ध होने पर व्यवहारिक के समुख अपराधी को प्रस्तुत किया जाता था व्यवहारिक सूत्रधार के समुख सूत्रधार अठकुलक के समुख समुख अठ कुलक उपराजा और उपराजा और राजा के सम्मुख अपराधी को प्रस्तुत किया करता था राजा का निर्णय इस समय अंतिम होता था इस समय दंड का आधार पेवणियों तक संहिता थी दंड अपराध सिद्ध होने पर ही मिला करता था